नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शॉर्टहैंड की ऑनलाइन क्लास नव जागृति में। साथियों, आज आपको हिंदी शॉर्टहैंड की डिक्टेशन देने वाला हूं, जिसकी गति 90 शब्द प्रति मिनट है और ये डिक्टेशन 21 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के संपादकीय कॉलम से ली गई है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नव जागृति को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को, घंटी के बटन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी के भारतीय सैनिकों की पिटाई वाले बयान पर हंगामा, शांत होने के पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह भाजपा को निशाने पर लेते हुए यह पूछा कि क्या आजादी की लड़ाई में आपके घर से कोई कुत्ता भी मरा, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि कांग्रेस को भाषा की मर्यादा की कहीं कोई परवाह नहीं। खड़गे का यह बयान केवल एक अरुचिकर बयान ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस से इतर बलिदान देने वालों का निरादर भी है। निसंदेह कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, लेकिन इस संग्राम में देश के सभी वर्गों के लोग शामिल थे और उन्होंने भी बलिदान दिया। पता नहीं क्यों कांग्रेस यह सिद्ध करने पर तुली रहती है कि आजादी की लड़ाई में केवल उसके लोगों का ही योगदान था। यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस गांधी परिवार के बाहर लोगों को वह मान सम्मान देने से सदैव कतराती रही है, जिसके वे हकदार हैं। यह विचित्र है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को देश की एकता के लिए कुर्बानी देने वालों में केवल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का ही नाम याद रहा। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं, उसके अध्यक्ष भी हैं। कम से कम उन्हें तो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। क्या अलवर में उन्होंने जो कुछ कहा वह सभ्यशालीन तरीके से नहीं कह सकते थे? यह देखना दयनीय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आपत्तिजनक वक्तव्य पर अफसोस जताने के बजाय उस पर कायम रहने की बात कर रहे हैं। यदि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वह इसी तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो फिर अपने उन नेताओं को प्रोत्साहित ही करेंगे जिन्होंने चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहने वाला बयान दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा से यही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वह कोई नया विमर्श खड़ा करने के बजाय राहुल गांधी की शैली वाली राजनीति करना ही पसंद करेंगे। राहुल गांधी भाजपा संघ पर निशाना साधने के लिए न केवल स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान करते रहते हैं, बल्कि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नीचा दिखाने के लिए उनके विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विडंबना यह है कि उसके बाद भी उनकी ओर से यह दावा किया जाता है
कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्या मोहब्बत की दुकान इस तरह खुलती है कि राजनीतिक विरोधियों के प्रति अशालीन अपमानजनक भाषा का उपयोग किया जाए? राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, वे अपनी बात मनचाहे तरीके से रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें यह आभास हो तो बेहतर कि भाषा की मर्यादा के उल्लंघन से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।